हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो कुछ जरा हटके है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टेलीविजन की दादियों के बारे में और उनके ग्लैमरस लुक के बारे में। टेलीविजन पर बहुओं का राज तो हमेशा से रहता ही है, लेकिन आज हम आपको टेलीविजन की उन दादियों से मिलवाएंगे जो अपने जमाने में कमसन कली रह चुकी है, जिन्होंने अपने ग्लैमर से छोटे पर्दे पर झंडे गाड़े हुए हैं। लेकिन बता दें कि टेलीविजन की दादियां भी ग्लैमर के मामले में किसी से कम नहीं है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि दादी सा यानी अरमान की दादी अनीता राज या फिर अनुपमा की बा अपने जमाने में ये भी कमसिन कली रह चुकी है। इनके होशने को देख बहुएं भी पानी भरती नजर आएंगी। तो चलिए एक नजर डालते हैं टीवी की उन दादियों के ग्लैमरस लुक पर। अनीता राज, ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं दादी से का रोल अदा कर रही है। अनीता राज अपने जमाने में बॉलीवुड की टॉप हीरोइन रह चुकी है। अनीता राज की पहले की तस्वीरें देख ले तो उनकी खूबसूरती के आगे रूही और अबीरा भी फीकी पड़ जाए। काम्या पंजाबी कई टीवी शोज में दादी का रोल निभा चुकी है, लेकिन असल जिंदगी में वह दादी के हिसाब से काफी ज्यादा ग्लैमरस है। काम्या पंजाबी बेकाब अंदाज लोगों को खूब पसंद आता है। कृतिका देसाई पांड्या स्टोर में दादी का रोल निभा चुकी कृतिका देसाई पहले तो ग्लैमरस थी, साथ ही आज भी काफी ज्यादा ग्लैमरस है। कृतिका देसाई की तस्वीरें देख कोई भी हैरान रह जाएगा। नियति जोशी, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि परनानी यानी नियति जोशी असल जिंदगी में काफी ग्लैमरस है। सोनी भले ही इन्हें बूढ़ा बना दिया है, लेकिन असल जिंदगी में नियति जोशी का ग्लैमर उनकी ऑन स्क्रीन पोतियों को भी मात देता है। अल्पना बुच अनुपमा की बा यानी अल्पना बुच कम ग्लैमरस नहीं है। शो में भले ही बा अपनी बहुओं और पोतियों पर लगाम लगाती नजर आती हैं, लेकिन असल जिंदगी में वह काफी खुले विचार वाली हैं। स्मिता वंसल, टीवी की चर्चित एक्ट्रेस स्मिता वंसल भाग्यलक्ष्मी में दादी का रोल अदा कर रही है, लेकिन स्मिता वंसल असल जिंदगी में काफी ग्लैमरस है। उनकी तस्वीरें देख कोई भी हैरान रह जाएगा। मेघना मलिक, ना आना इस देश मेरी लाडो की, मेघना मलिक भी काफी ज्यादा ग्लैमरस है। शो में इन्हें रूढ़ीवादी सोच वाला दिखाया गया था, लेकिन असल जिंदगी में मेघना मलिक का स्टाइल हर किसी को हैरान करता है।